ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सिविल कोर्ट में डाली गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है और सिविल कोर्ट से ये मांगा गया है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत मिल जाए, इसके साथ ही मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त कर दिया जाए, इसके आदेश को पारित किया जाए, ये मांग है याचिका में। इसी याचिका में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र की हैसियत से ये याचिका डाली गई है। आपको बताएं राखी सिंह समेत 5 महिलाओं के वाद के बाद ये ज्ञानवापी से जुड़ा पूरा मुकदमा शुरू हुआ। अब ये दूसरा मुकदमा है। इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। अब सुनवाई के लिए आज दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। आज की सुनवाई में इस मुकदमे में कोई बड़ा अंतरिम आदेश जारी हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, ये दूसरा मुकदमा है ज्ञानवापी मामले से मिलता जुलता, जहां विश्वेश्वर स्थान पर हिंदू चाहते हैं कि पूजा पाठ किया जाए। और क्या है बुलेट पॉइंट्स इस पूरे मामले की जानकारी जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, कल किरण सिंह बिसेन की तरफ से एक याचिका दाखिल होती है जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र के तौर पर यह याचिका दाखिल की गई है। मस्जिद की एक जगह को भगवान विश्वेश्वर का स्थान बताया गया है और दावे वाले स्थान को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। इस याचिका में मस्जिद का जो गुंबद है उसे ध्वस्त करने का आदेश मांगा गया है याचिका करके, और सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने इस याचिका को मंजूरी भी दे दी है। और दोपहर 2 बजे रवि दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो देखिए, ये दूसरा मुकदमा है और सीनियर डिवीजन बेंच के पास सिविल कोर्ट में ये गया है पूरा मामला, जिसके अहम बिंदु क्या है ये हमने आपके सामने रख दिया है। अब देखना ये होगा कि 2 बजे जब ये सुनवाई होगी तो क्या क्या चीजें निकल के आएगी। लेकिन सुनवाई का जिक्र करें तो कल की सुनवाई की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मामले पर कल सुनवाई हुई वाराणसी की जिला कोर्ट में। दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने 26 मई तक इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि पहले किस मामले की सुनवाई होगी। ये मसला था ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने के मामले में। सिविल जज के आदेश पर सर्वे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जिला अदालत पहुंचा दिया। और जिला अदालत में पहुंचने के बाद दूसरे दिन की सुनवाई होती है और सुनवाई इस मामले को लेकर के होती है कि पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई हो। दोनों पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का पहले वक्त मांगा और उसके बाद 26 मई को मामले की सुनवाई होगी। देखिए, अहम अपडेट है, ऑर्डर 7/11 पर पहले सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा याचिका सुनने लायक है कि नहीं। देखिए, 7/11 मतलब पूजा करने की जगह को लेकर के 1991 का एक पूरा एक्ट है, इस पर मुस्लिम पक्ष टिका हुआ है कि इसके हिसाब से कोर्ट का ये केस ही नहीं बनता है। अब इस वाली याचिका पर पहले सुनवाई होगी या आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का जो वक्त लिया गया है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि हमें पहले पूजा पाठ का हक चाहिए, श्रृंगार गौरी से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसकी आपत्ति के साथ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से होते हुए जिला अदालत पहुंचा है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है और अब 1 हफ्ते के लिए वक्त लिया गया है। 1 हफ्ते के बाद कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई का मतलब, 7/11 पर सुनवाई का मतलब ये पूरा केस बनता ही नहीं है, क्योंकि पक्ष जो दूसरा है यानी मुस्लिम पक्ष, उनका यही कहना है कि ये मामला सुनवाई का नहीं है। 1991 के जो इस 7/11 वाले एक्ट के हिसाब से हवाला देते हैं वो, और वहीं हिंदू पक्ष का अपना दावा है, वो कहते हैं कि हमें पूजा पाठ का अधिकार चाहिए। तो इस पूरे मामले पर 1 हफ्ते का इंतजार। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और वाराणसी से इस पर अपडेट देंगे नीतीश पांडे भी। दोनों सहयोगियों के रुख से हम जानेंगे कि क्या क्या जानकारियां निकल के आएंगे। मोइन का रुख करते हैं और सुनवाई को लेकर के किस तरीके की जानकारी आ रही है, आज क्या क्या हलचल रहने वाली है, कार्रवाई को लेकर के जानकारी देंगे मोइन। देखिए, ज्ञानवापी के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होनी है और उस अर्जी पर सुनवाई होनी है जिसे भगवान
विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल किया गया है। चार प्रमुख मांगे इस वाद में यानी इस मुकदमे में की गई हैं, जिसमें सबसे अहम है कि जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए, भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना किए जाने के इंतजाम किए जाएं, इसके साथ साथ मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी जाए, और चौथी अहम मांग है कि जो मस्जिद का गुंबद है उसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाएं। आपको बता दें कि किरण सिंह बिसेन की ही भतीजी हैं राखी सिंह, जिन्होंने पहला मुकदमा दर्ज किया था चार अन्य महिलाओं के साथ। उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट कर रही है और इसके बाद कल एक दूसरा मुकदमा दाखिल होता है। इस मुकदमे को जो सीनियर डिवीजन सिविल जज हैं रवि दिवाकर, उन्होंने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया, और इतना ही नहीं अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। आज दोपहर 2 बजे का वक्त उन्होंने तय किया हुआ है इस पूरे मुकदमे को सुनने के लिए। तो जो मांगे की गई हैं वो बेहद अहम है, और ऐसे में आज दोपहर का वक्त बेहद अहम हो जाता है, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या दूसरे पक्षों को इसमें एतराज यानी आपत्ति दाखिल करने का मौका मिलता है या अदालत कोई अंतरिम आदेश सीधे तौर पर जारी कर देती है। तो बेहद अहम दिन है आज का। वहां की जो अपडेट आएगी वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन कल जो सुनवाई हुई है जिला कोर्ट में उससे जुड़ी क्या अपडेट रही, क्या उसका लबो लुआब रहा, ये समझेंगे हम नीतीश से। नीतीश, कल की जो सुनवाई हुई है उसे लेकर के क्या बुलेट पॉइंट्स निकल के आए हैं, समझाइए जरा। अगर बीते कल की बात कर ले तो उसके डिटेल में थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन जो आने वाला कल है, कल इस मामले पर सुनवाई होगी। अच्छा। कल मामले पर सुनवाई 26 मई की तारीख दी गई है, और 26 मई की तारीख के बाद जो कह रहे हैं 7/11 पे पहले सुनवाई होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था। मुस्लिम पक्ष कल जिस तरह से हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, बीते कल की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार इंतजार कर रहे थे कि एक और जो प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है 7/11 पे पहले सुनवाई हो जाए। वादी पक्ष ये कह रहा है कि जो साक्ष्य हैं पहले उनको जोड़ा जाए और इसके बाद इन साक्ष्यों के आधार पर 7/11 को जोड़कर सुनवाई की जाए। ऐसी स्थिति में जो कोर्ट का, जिला जज की कोर्ट का जो फैसला आया वो साफ तौर पर आ गया कि 26 मई से सुनवाई होगी, 7/11 पर पहले सुनवाई होगी। लेकिन आपको बताएं कि वादी पक्ष 7/11 पर भी सुनवाई करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। उनका साफ तौर पर यह कहना है, जिस तरह से हमने विष्णु जैन से बात की, इसके साथ शिवम गौड़ से बात की, जो अधिवक्ता दिल्ली से आए हुए हैं, जो स्थानीय अधिवक्ता अगर बात करें तो वो भी ये कह रहे थे साफ तौर पर कि हमने जो पूजा के अधिकार की जगह है उसे लेकर किस तरह के एक्ट बनते हैं इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। तो कल तक का इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा, चूंकि पहले मुस्लिम पक्ष की 7 जो याचिका है 7/11 उस पर बहस शुरू हो गया, और अब वादी पक्ष उस पर आपत्ति दाखिल करेगा। आपत्ति के कई बिंदु होंगे। अब जो हिंदू पक्ष यानी जो वादी पक्ष है वो ये कह, उसका जो बिंदु है वो साफ तौर पर ये है कि आखिर जहाँ पर पूजा हो रही है वो पूजा की जगह किसकी है, वो पूजा की जगह क्या है, इन सारे बिंदुओं को आधार बनाकर कल इस पर बहस होगी। तो आज का दिन जितेंद्र सिंह बिसेन की जो पत्नी है किरण सिंह बिसेन, उनकी सुनवाई को लेकर है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के हैं रवि दिवाकर की कोर्ट में आज होना है, और वहां पर आज हिंदू पक्ष को सुना जाना है। शिवम गौड़ ने इसकी तैयारी कर रखी है, सीनियर डिवीजन बेंच हो या फिर जिला कोर्ट, दोनों ही कोर्ट से आज बड़ी अपडेट आएगी और उन पर हमारी नजर रहेगी। आप लोगों के जरिए ही दर्शकों तक हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, जानकारी पहुंचाते रहेंगे। मोहन, नीतीश, आप दोनों का शुक्रिया, अहम जानकारी दोनों सहयोगियों ने दी। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर बातचीत शुरू हो गई, खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा, पीएल पुनिया से फीडबैक लिया जा रहा है। वीरेंद्र चौधरी हैं, निर्मल खत्री हैं और कई वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस पद अध्यक्ष का खाली चल रहा है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। अजय कुमार लल्लू पहले अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के, लेकिन अब नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या होगा इस पर फीडबैक ले रही है प्रियंका गांधी, ये जानकारी मिल रही है। फीडबैक इनसे लिया जा रहा है, सीनियर नेताओं से, प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा, पीएल पुनिया, वीरेंद्र चौधरी, निर्मल खत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं का रुख किया गया है और उनसे फीडबैक लेकर के ही इस खाली पद को जल्द भरा जा सकता है। कांग्रेस खेमे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए, चुनाव में खराब परफॉर्मेंस और
अब एक जो पद खाली है उसे भरने की कवायद चल रही है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, क्या क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश को लेकर के? अगर बात करें जिस तरीके से अभी हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव में और कांग्रेस को करारी हार मिली है, तमाम सारे राज्यों के अध्यक्षों का इस्तीफा तो ले लिया गया था और जो अन्य राज्य खासतौर से अगर बात करें जिस तरीके से यूपी उत्तराखंड दोनों जगह पे कांग्रेस की हार हुई, लेकिन उत्तराखंड में नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में अब कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला अध्यक्ष, इसको लेकर के पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम सारे लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा जिससे कि जो रोड मैप है 2024 को लेकर के उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाए, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी ने जो कल नई टीम घोषित हुई है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से, जिसमें टास्क फोर्स बनाया गया कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए, उसमें खुद प्रियंका गांधी सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेदारी है जहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है, तो ऐसे में अब जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी करने की कवायद में जुट गई है और इसी कड़ी में सभी सीनियर नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, जिनमें से कई सीनियर नेता दिल्ली में ही है और दिल्ली में ही रहकर तमाम सारे नेताओं से प्रियंका गांधी मुलाकात कर रही है, फीडबैक ले रहेगी अगला प्रदेश अध्यक्ष किससे बनाया जाए जिससे कि वो तमाम तरह जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है उसको मजबूत कर सके और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो बेहतर प्रदर्शन है वो करवा सके। बिल्कुल अविनाश, एक तरीके से नए सिरे से सियासी सरजमी तलाशने की ये पूरी कवायद होगी, लेकिन देखते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कब होता है। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा होगा इस बात के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ही होनी है सदन में। इससे पहले अगर कल का जिक्र करें तो चर्चा के दौरान सीएम योगी अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके चलते कल भी सत्र हंगामे में बीता। अब आने वाले कल यानी 26 मई को योगी 2.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसे लेकर के तैयारियां जारी हैं और आज क्या क्या होगा ये भी जरा समझते चले। सत्र के दौरान हंगामा होने लगा ये कल की बात है, आज भी हंगामे के आसार है ये आज की बात है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कल भी हुई थी और आज भी होनी है, ये आज का क्रम है। और देखिए कल क्या हुआ था, नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखा था और आज भी अखिलेश कोई नया मुद्दा उठा सकते हैं इस बात के आसार हैं। कल ये हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी से अखिलेश की नोकझोंक हुई थी, आज भी किसी मुद्दे पर नोकझोंक होगी ये मान कट के चल रहे हैं। कांग्रेस आरएलडी सपा के नेता चर्चा में शामिल हुए थे और आज की भी बात कर लें तो हंगामे के बीच ही ये पूरा सत्र बीतेगा इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कल देखा हमने किस तरीके से अखिलेश यादव ने भी इस बहस के दौरान कई पॉइंट्स उठाए। चलिए अब आपको तीन तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि पिछले दो दिन में विधानसभा के भीतर क्या हुआ और आज क्या क्या होने के आसार है। देखिए, जब पहले दिन विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामे के आसार थे और हंगामा भी हुआ। सपा के विधायक कई मुद्दों को लेकर के वेल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। दूसरे दिन की तस्वीर देखिए आप, यहां भी हंगामे की गूंज गूंजती रही, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और आज सदन का तीसरा दिन है। हालांकि आज भी हंगामे के आसार हैं, आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, लेकिन कल विधानसभा में आने वाले कल विधानसभा में योगी सरकार 2.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, इसके लिए आज तैयारियां होंगी, तो बहुत अहम है आज का दिन भी। हालांकि पिछले दो दिन की तस्वीरें आम सी लगती हैं क्योंकि दोनों ही दिन हंगामे की तस्वीरें दिखाई दी, आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। अब बात आजम खान की कर लेते हैं। आजम खान सदन से नदारद दिखे नजर नहीं आए, कहा यह जा रहा है कि आजम खान बीमार हैं, लेकिन परेशान अखिलेश यादव हो रहे हैं क्योंकि आजम खान की बीमारी का हवाला तो वो दे रहे हैं लेकिन वो लखनऊ से रामपुर तक बैक टू बैक मीटिंग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात कर ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीमारी की ढाल कहीं अखिलेश को टेंशन में ना डाल दे, क्योंकि आजम खान को रिहा हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन उनकी अभी तक अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो पाई है। ये बड़े अच्छे संकेत नहीं है, सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। शिवपाल से मुलाकात, अखिलेश से इनकार, कब खत्म होगी आजम की तकरार? मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी। आजम की बीमारी बहाना या अखिलेश को सबक सिखाना? अभी तो भाई स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और जाहिर है सदन के लिए ही चुनकर आया हूँ, आऊंगा तो सदन। आजम अखिलेश की तकरार
चार दिन बाद भी नहीं हुई मुलाकात। खाली पड़ी रही अखिलेश के बगल वाली कुर्सी, क्या है आजम की मर्जी? मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। आजम खान की रिहाई को चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आजम और अखिलेश की मुलाकात नहीं हो पाई है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजम खान और अखिलेश की मुलाकात आखिर कब होगी, क्योंकि आजम खान अखिलेश को छोड़कर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। ये सवाल शिवपाल यादव और आजम खान की सोमवार को हुई मुलाकात के बाद खड़ा हो गया। क्या आजम शिवपाल के साथ मिलकर कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे? अभी तो भाई स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपने अंदाजा ही लगाया होगा कितनी देर निकलती है, लगती है तैयार होने में, निकलने में, तो खड़े होने में भी परेशानी है। और जाहिर है सदन के लिए ही चुनकर आया हूँ, आऊंगा तो सदन। दूसरा सवाल आजम खान के सदन की कार्यवाही में शामिल ना होने को लेकर भी है, क्योंकि अखिलेश के बगल वाली कुर्सी सोमवार को भी खाली थी, मंगलवार को भी खाली रही, जबकि आजम खान सदन में ना जाने के पीछे बीमार होने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आजम खान लखनऊ रामपुर में बैक टू बैक मीटिंग कर रहे, वो कई सवाल खड़े करता है। अगर आजम खान वाकई बीमार हैं, तो इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? या फिर ये सब अखिलेश यादव से बचने के लिए है, ताकि अखिलेश से मुलाकात ना करनी पड़े, क्योंकि अखिलेश यादव और आजम के बीच मनमुटाव की बात अब समाजवादी पार्टी के नेता भी मानने लगे हैं। देश ही नहीं दुनिया जानती है वो कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े कार्यकर्ता हैं। हो सकता है किसी बात से नाराजगी हो, लेकिन जहां सब लोग होते हैं घर के अंदर भी एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। वैसे ये महज संयोग नहीं है कि आजम खान विधायक पद की शपथ लेते हैं और अखिलेश उनके चले जाने के बाद ही विधानसभा पहुंचते हैं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। वैसे ये भी संयोग नहीं है कि आजम खान सिर्फ अपने करीबी विधायकों से मुलाकात करते हैं, और जिन विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं वो ना तो समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होते हैं और ना ही सदन के प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं एक सवाल राज्यसभा चुनाव का भी है। आजम गुट के विधायक और शिवपाल की नजदीकी अखिलेश का खेल भी खराब कर सकती है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से सपा की 3 सीट पर जीत तय मानी जा रही, लेकिन जिस 34 सीट पर अखिलेश जीत की रणनीति बना रहे हैं वो फेल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। शिवपाल यादव ने विधानसभा में अपनी सीट बदलने की मांग वाली चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव के ठीक पीछे वाली लाइन में बैठते हैं शिवपाल, और हवाला ये दिया है कि वरिष्ठता के आधार पर शिवपाल यादव अपनी सीट बदलना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अंदरूनी बात ये निकल करके आ रही है कि विधायकों से, सपा विधायकों से दूरी चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव, इसीलिए अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को बदलने की एक चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को। देखना ये होगा कि अध्यक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पहले से ही तय हो गया था। तो देखिए किस तरीके से अब सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के ये पूरा मामला क्या होगा आगे, इस पर निगाहें रहेंगे। योगी सरकार 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां कल अधिकारियों ने वहां पहुंचकर देखा, उसका जायजा लिया, और मुख्य सचिव अन्य अधिकारी करीब 1.5 घंटे से अधिक वहीं पर मौजूद रहे, यानी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा होंगे। इस कार्यक्रम के लिए करीब 150 उद्योगपतियों को निमंत्रण भी भेजा गया है। 62 उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में आने की सहमति दे दी है, कंफर्म कर दिया है, जिसमें सभी बड़े नाम शामिल है, जैसे कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, हीरा नंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरा नंदानी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, पेटीएम के चेयरमैन एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा, और कई भी दिग्गज हैं जिनका नाम है, और वो हामी भर चुके हैं कि वो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा होंगे। और ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, और उन्हीं से जानेंगे कि कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर के, क्या तैयारी है, डिटेल्स देंगे शैलेश।
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से 3 जून को जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा, और इसको किस तरह से बहुत ही भव्य बनाया जाए इसको लेकर तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। खुद मुख्य सचिव जो है उन्होंने कमान संभाल ली है। इससे पहले हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर प्रेजेंटेशन देखा था विभाग का, और कि किस तरह से चीज़ें रहेंगी। इसमें अगर हम बात करें तो 75,000 करोड़ से की इन्वेस्टमेंट के लगभग 2,000 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको ज़मीन पर उतारा जाएगा और इन पर काम शुरू होगा। तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री को आना है, जो देश के दिग्गज उद्योगपति है वो तो रहेंगे, विदेशों से भी यहाँ पर गेस्ट आने की बात कही जा रही है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियां जो हैं उनको अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। अगर बात करें तैयारियों को लेकर तो देखिए जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है बहुत ही भव्य जगह है, इससे पहले भी वहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले भी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हो चुकी है, ये तीसरी सेरेमनी है। बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं करना होगा, अब बस इंतजार है तो इन्वेस्टमेंट का उत्तर प्रदेश की सरजमी में, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। शुक्रिया शैलेश जो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, 5 दिन पहले बनाई गई सड़क ही धस चुकी है और इसमें एक ट्रैक्टर भी फंसा है। अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, 5 दिन के भीतर सड़क की ऐसी कंडीशन कैसे है, समझेंगे हमारे सहयोगी रविंद्र जैन से। रविंद्र, ये कहां की सड़क है और इतनी घटिया क्वालिटी वाली सड़क बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन कौन है? सड़क यहाँ पर बनाई गई थी और उसके बाद ये एक्सटेंशन जो ग्रेनो वेस्ट का हाई राइज सोसाइटियां हैं वहां पर ये सड़क थी, बनाई गई थी और इसको दुरुस्त कराया गया था। लेकिन ये जो यहाँ पर जो घटिया सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से जो ट्रैक्टर जा रहा था, ट्रैक्टर जो सड़क के अंदर ही धस गया, तो ये कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल साबित करता है कि जिस तरह से जो प्राधिकरण में भ्रष्टाचार। बिल्कुल रविंद्र, ये प्राधिकरण की पोल खोलने वाली ही तस्वीरें हैं, देखना होगा, सोचना होगा। इसी के साथ आज की बात में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद देखेंगे आप सुपरफास्ट खबरें।